Assalamualaikum and welcome back to my channel We Can Do Anything मैं मोहम्मद उमर आज आपकी नजर में हाजिर हुआ हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बीफ कोफ्ता रेसिपी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिल सके तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ कोफ्ते बनाने के लिए हमने 1 किलो के करीब बीफ का कीमा ले लिया है और इसके अंदर हम प्याज मिर्चें लहसुन के 6 जब्बे और छोटा टुकड़ा अदरक का इसमें डालेंगे एक दफ़ा ये मशीन से निकला हुआ है हम इसको एक और दफ़ा मशीन से निकाल लेंगे और जो हम इसे मसाले ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून हल्दी सॉल्ट टू टेस्ट धनिया पाउडर 1 टीस्पून और भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून और बाइंडिंग के लिए हमने 1/2 कप के करीब बेसन ले लिया है और 2 अदद अंडे हैं तो सबसे पहले हम कीमे को मशीन में डाल के एक और दफ़ा निकाल लेते हैं मिक्सर में सबसे पहले हम प्याज मिर्चें और लहसुन अदरक डाल ली थी ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये ग्राइंड हो चुका है अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कीमा डालेंगे एक दफ़ा कीमे को हमने कर लिया बाकी कीमे को भी हम कर लेते हैं इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं अभी हम बाकी के कीमे को भी अच्छा सा बारीक कर लेते हैं कीमा देखिए माशा से कितना अच्छा बारीक पिस चुका है अभी हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं गरम मसाला हल्दी धनिया पाउडर भुना हुआ कुटा हुआ जीरा नमक लाल मिर्च का पाउडर अंडे और बेसन और हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे अब इसे हाथों की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा धनिया और डालेंगे ये देखिए बहुत जबरदस्त है मिक्स हो चुका है बाइंड भी अच्छा हो रहा है आप चाहें तो आप इसे तवे पे टेस्ट कर सकते हैं कि ये टूट तो नहीं रहा तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है अभी हम इसके कोफ्ते बना के फिर आगे वाले मेथड पे चलेंगे ये देखिए कोफ्ते हमने बना लिए हैं तो आपने लाजमी इसको कोफ्ते बनाने से पहले आप चेक कर लें कि बाइंडिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है हमने भी चेक किया था तो बाइंडिंग सही नहीं हो रही थी तो हमने इसमें थोड़ा सा और बेसन ऐड कर लिया था तो अब हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं अभी हम ग्रेवी की तरफ चलते हैं तो ग्रेवी बनाने के लिए हमने 3 से 4 प्याज हमने दरमियाने साइज के काट लिए हैं और 2 अदद हमारे पास बड़े टमाटर हैं जिनकी हमने प्यूरी बना ली है और हमारे पास 1 बाउल दही है
जो इसमें मसाले हम ऐड करेंगे वही मसाले हैं, क्वांटिटी भी वही है, तो वही सारे हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और सॉल्ट टू टेस्ट, और 1 कप हमारे पास है ऑयल, और इसमें धनिया और मिर्ची हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। तो चले अभी हम ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। देसी को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, अभी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं। प्याज डालेंगे, इसको गोल्डन फ्राई होने तक हम कुक करेंगे। ये हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है, अभी हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे ग्रेवी के। प्याज को हमने ग्राइंड कर लिया, लेकिन सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। अच्छा से इसे भून लेंगे। अब इसके अंदर जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया वो ऐड करेंगे। टोमेटो प्यूरी, दही, और इसमें भी मसाले भी ऐड करके इसको अच्छा सा भूनेंगे। धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और लाल मिर्च का पाउडर। अब इसको हम अच्छा सा भून लेंगे कि ये ऑयल छोड़ दे। ये देखिए ग्रेवी अच्छी सी भुन चुकी है, ऑयल भी निकल चुका है। अभी हम इसमें कोफ्ते डालते हैं। अभी हमने चम्मच नहीं चलाना वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। अभी हमने इसको हिलाना नहीं है, बस इसके ऊपर ढक्कन रख के इसे 1 से 2 मिनट हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि कोफ्ते सेट हो जाएं। फिर हम देचके को हिलाएंगे ताकि उनको हम साइड चेंज करके दूसरी साइड उसको कुक करें। अभी हम इसको कवर करके 1 से 2 मिनट तक हल्की आंच पर कुक करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी जले भी नहीं। एक मिनट हो चुका, अभी हम देख लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, देखिए कोफ्ते टूटे भी नहीं हैं और कोफ्तों ने पानी भी छोड़ दिया है। अभी हम इसको हिलाते हैं, चम्मच नहीं मारना। अभी इसी तरीके से हम इसको भून लेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल के उबाल ही आने तक वेट करेंगे ताकि हम इसका शोरबा रेडी कर सकें। ये देखिए कोफ्तों को हमने अच्छा सा भून लिया है, इसका ऑयल निकल गया है। अभी हम इसके अंदर पानी डालते हैं और बॉयल होने तक हम इसे पकाएंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख के बॉयल आने तक कुक करेंगे। बिल्कुल डन हो चुका है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, धनिया और हरी मिर्चें, इसे मिक्स करते हैं। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। अभी हम इसे डिश आउट कर लेते हैं।
ज़बरदस्त से बीफ कोफ्ते रेडी हैं। देखिए कितने अच्छे तैयार हुए हैं, कलर कितना अच्छा आया है और फ्लेवर तो लाजवाब। तो ये थी रियाज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी बनी है। अपने और अपने घरवालों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे अपने गाँव में याद रखें। मेरा मैं एक और थोड़ा तस्वीरें के साथ अल्लाह हाफिज़। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ना भूलें।